subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मुझे वो धड़कन सुनाई दी है, जब भी तो दिल में ये बेकली है। मुझे वो धड़कन सुनाई दी है, जब भी तो दिल में। पाजी बताए ना, क्या बातें हुई फहद भाई से? तुमसे मतलब? अच्छा जी, यानी मेहनत सारी हमारी और अब हम ही गैर हो गए। ठीक है, मत बताएं। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, सर अम्मी से कुछ बातें करनी है, कॉन्फिडेंशियल। अच्छा सर, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? इधर आना। कहाँ? ये देखो तो सही, वो बैठो तो सही। देखो जरा स्किन का ख्याल नहीं रखते तुम, ये देखो ये। और जरा बताओ अम्मी से क्या? एक तो जरा जरा सी बात पे कान पकड़ ली थी, छोड़े। बोलो, तुम्हें अम्मी से क्या बात कॉन्फिडेंशियल करनी थी? कुछ नहीं ना, मेरी बातें छोड़े। दूसरी तरफ से कान पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, दबाओ जोर से। उफ, आइंदा करोगी मुझसे इस तरह की बात? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? देखो शायद मैं अपने आदमी भी उठा सकता हूँ वहां पे, लेकिन इस तरह जगह नजरों में आ जाएगी। बिठाऊंगा, ये नहीं कि नहीं बिठाऊंगा, लेकिन प्लाट का फैसला होने के बाद। तो ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे? कितने लौंडे हैं तेरे साथ? मेरा मतलब है दोस्त यार वगैरह। मेरी दोस्ती तो बस फरमान और शोएब से ही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेंगे। तो उसके अलावा फिर काम वाले लड़के रह जाते हैं? वही वही चाहिए। साले उनको प्लाट पे, जो भी आएगा साले को मार पीट के भगा देंगे, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। समझ गया? ठीक है जिल्ले भाई। अबे हाँ, तुझे एक बात तो बतानी भूल गया, वो तेरा रकीब, अबे जिसकी तूने तस्वीर दी थी मुझे, जवाद। हाँ, जिसके बाप का मोटर वर्कशॉप है, का बाप मिला था मुझे। अरे उसको कोई गाड़ी वाड़ी टक्कर मार के चली गई थी, रोड पे पड़ा हुआ था। मैंने ही अस्पताल ले जाके मरहम पट्टी करा दी उसकी। मुझे पता होता ना कि वो उसका बाप है, मरने देता साले को। खैर तू टेंशन मत ले, तेरी शादी उसी लौंडिया से होगी। और रही बात उस कमजोर टार्जन की, तो उसके हाथ पैर तोड़वा कर डलवा दूंगा। अब तो खुश है? ये ले, ऐश कर। शुक्रिया जिले भाई। अरे यार शुक्र है मिर्जा के, खैरियत के साथ जेवरात लेकर खड़ा है, वरना मैं तो टैक्सी में बैठ के हर गुजरने वाले आदमी से डर रहा था भाई। तो कोई जेवरात छीन के ना ले जाए। अच्छा वो आदमी भी मुझसे डर रहा था, कहीं मैं उससे कुछ छीन के ना ले जाऊं। वैसे अहमद अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वरना आजकल तो बैंक से कुछ रकम निकलवाए आप तो चोर डाकू पीछे लग जाते हैं और रास्ते में लूट लेते हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। मिर्जा जरा डाकुओं की बातें कम करो, वो असल में रोजे में डाकुओं का खौफ बढ़ जाता है। मैं तुम्हारे लिए इफ्तारी का बंदोबस्त करता हूँ, आज बेगम ने बड़े जबरदस्त पकौड़े बनाए। या अल्लाह, बस मेरी बेटियों के कामों में इसी तरह बरकत डालते रहना। दिल लगाया था, दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
यार। बंदे यार। ले जवान। उठ जा मेरा पूत। थोड़ा सा खाना खा। अरे तूने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। इस तो यूं तो बीमार पड़ जाएगा ना तू। तो बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना। तुम लोग तो चाहते भी यही थे कि मैं मर जाऊं। मगर एक बात याद रखना अम्मा, अफशा की डोली बाद में उठेगी, पहले इस घर से तुम्हारे लम्बे का जनाजा उठेगा। अरे अल्लाह ना करे जब बात जनाजा उठे तेरे दुश्मनों का। एक ही तो तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। देख जब्बार, जो होना था ना वो तो हो गया। अब तू ना खुद को परेशान कर ना हमें परेशान कर। तो कितनी दफा मैंने तुझसे कहा था अफसा के यहाँ ना जाया कर ना जाया कर, मगर तूने मेरी एक भी ना सुनी। अलमास के अफसर को तूने पीटा जाके, फिर तेरे अब्बा को वहां जाके माफी मांगनी पड़ी है ना, और फिर अब तूने उस लौंडे के दफ्तर में जाके बदतमीजी कर दी ना। तो फिर ये तो होना ही था ना। चल मेरा पुत्र, खाना खा ले, बैठ जा। अम्मा बंद कर दो ये मोहब्बत के ड्रामे मेरे साथ। नहीं खाना मुझे ये जहर, तेरी भी जहर है ये जहर। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ सब कुछ लूट गया, तुम्हें खाने की पड़ी भी है। वाह वाह वाह, क्या करूं मैं इस लौंडे का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे बाजी, क्या हो जाता अगर फाहद भाई के हमाद भाई के अलावा भी कोई और दोस्त होते? होता तो कुछ नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ओहो, अब सब मैं खुद ही बता दूं आपको, खुद से भी कुछ समझ लिया करें। सारा प्लीज, वैसे भी जब मैदा खाली हो ना तो इंसान की अकल में कुछ नहीं आता। ये मैं नहीं, अम्मी कहती हैं। मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है। क्या हो गया बाजी आपको? सहरी करके जो सोई हैं तो 2 बजे तो उठी हैं आप। सारा रोजा तो आप सो सो के गुजार देती हैं, कम से कम जोहर की नमाज तो पढ़ लें। एक्सक्यूज मी, मैं पढ़ चुकी हूँ नमाज, अब अपनी नमाज की फिक्र करें। आज बेटा तुम्हारे दादा अबू की बरसी है, नमाज खाना पका रही है, तुम ये जरा चावल चुन दो और तुम फ्रूट काट लो, मोहल्ले में बदमानी है। पकड़ो ना। क्या है? क्या है? चावल है। वक्त पर चून मारे, ये चावल चुन के नहीं भेज सकते क्या? हाँ नहीं तो क्या? मेरा रोजा था लमिया, मैंने गीबत कर दी, मुझे माफ कर दे, लेकिन प्लीज दुकानदारों को अकल दे दे, वरना अम्मा तो मुझसे काम करा करा के मुझे साफ तो ही चावल। जी जी ठीक है, मैं कल सुबह हाजिर हो जाऊंगा। बल्कि एक काम कीजिए, अगर आप अपने वकील को भी बुला लें तो डॉक्यूमेंटेशन भी करें। ठीक, मुलाकात। अल्लाह। हुजूर, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। मस्जिद की तामीर पर 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और इतने का ही वो प्लाट भी होगा, ये सब कैसे मुमकिन है हुजूर? नजाकत मियां, बड़े भोले हैं, ये भी नहीं जानते कि जो बड़े लोग होते हैं ना, मुखय्यर हजरात। अगर मामला मस्जिद की तामीर का हो तो ये 2 करोड़ का प्लॉट 50 लाख में भी देने को तैयार होगा। और रही बात मस्जिद की तामीर की, तो एक बार प्लॉट पर कब्जा हो जाने फिर सोचेंगे कि तामीर करें या ना करें। बात आई समझ में नजाकत मियां? चलिए निकलिए। और हां, ये मत भूलिएगा कि मैं सहरी दोपहर 12 बजे करता हूं। समझ गए हुजूर, समझ गए। समझदार लोग हमें बहुत पसंद है। खल्के खुदा की खिदमत करना हमारा काम है।
मैं क्या करूं उसका, बनवाई क्यों थी? अब बनवाई तो निगाहों के सामने रखने के लिए थी, मगर अब हालात बदल गए। हालात बदल गए? हाँ यार। अच्छा एक बात तो बता, तू इंग्लिश में तो देखता है ना लव स्टोरीज टाइप की? अबे दोनों साथ तो देखते हैं, इसमें पूछने लिए क्या बात है? अब गौर से सुन, उसमें ये भी तो होता है ना कि हीरोइन कहीं और हीरो कहीं, लेकिन दिखते दोनों एक ही जगह पर है, कैमरा ट्रिक्स है। हाँ होता है यार, वो क्रोमा के ऊपर दोनों को सिंक कर देते हैं, मेरा मतलब है कि मिला देते हैं और लगता है ऐसे ही है कि दोनों एक ही जगह बैठे हैं। बस फिर एक काम कर, तो मेरी तस्वीर को किसी भी खूबसूरत जगह के सामने उसकी तस्वीर से मिला, 5 नहीं 6 तस्वीरें बना दे। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अम्मी बता रही थी, आंटी की बात हुई होगी ना उनसे? अच्छा नहीं नहीं ये तो नामुमकिन है, और वैसे भी रमजान है, हम मिलेंगे कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, मैं कुछ प्लान करके आपको बताऊंगी। ओके अच्छा अब मम्मी ना आ जाए, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। मैंने कुछ नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं सुना। कभी तुम कुछ नहीं सुनती हो, हमेशा तो मुझे ब्लैकमेल करती हो। सच कुछ नहीं सुना, आज कौन छोड़े मेरा? हर 3 महीने के बाद कुरानदाजी होती है बेगम, मेरा ख्याल है 2-3 रोज के बाद होने वाली है। अच्छा एक बात तो बताइए, ये आप रोजाना अलमारी खोल के बॉन्ड निकालती हैं, उसे देखती हैं और फिर अलमारी में वापस रख देती हैं, क्यों? रमजान का महीना है अहमद, मैं तो हर नमाज में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो कोई ऐसा वसीला बना दे कि बस हम अपनी बच्चियों के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश हो जाएं। हमारा नंबर निकल आए कितना अच्छा हो जाए ना, बड़ा नहीं तो सबसे छोटा ही नाम निकल आए। देखिए बेगम अगर नसीब में है तो जरूर निकलेगा। अच्छा मेरा ख्याल है आप सो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कल हमें बगैर सहरी का रोजा रखना पड़ जाए। नहीं, कल वो भी आएंगी मिसेस बेग, कह रही थी कोई खुशखबरी है। अच्छा बताई नहीं? नहीं कह रही थी आके बताऊंगी, मैंने बता दिया ना उन्हें जवाद और अफशां के रिश्ते के ख़त्म होने का, बहुत खुश हो रही थी। अच्छा किया बेगम, बहुत अच्छा किया। बस बेगम हमारी अफशां अब खुश रहे। चलिए ठीक है, भेज दीजिए उन्हें अंदर। और सुनिए जब तक मैं मीटिंग में हूँ ना, काइंडली कोई कॉल अंदर ना दीजिएगा, डिस्टर्ब ना कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुझे जुनेद कहते हैं जी, प्लीज बैठें। शुक्रिया।
आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, मेरा मतलब हरगिज़ आपको शर्मिंदा करना नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपने तो बड़ी सही बात की निशानदेही की है। आप मुझे ये बताएं कि आप चाय लेंगे या कुछ ठंडा नाश्ता? पहले अगर काम की बात हो जाए तो कोई मुज़ाकरा तो नहीं। जी जी बिल्कुल, फरमाइए। देखिए मोहतरम, नॉर्थ नाजाद में जिस जगह मैं मस्जिद तामीर कराना चाह रहा हूँ, वहाँ आपका प्लॉट रुकावट बन रहा है। हमारी बिल्कुल तैयार। सच पूछें तो मेरा वहाँ उस प्लॉट पर डाइंग यूनिट लगाने का इरादा था, लेकिन अगर आपका इतना नेक मकसद है कि आप वहाँ पर मस्जिद और मदरसा तामीर कराना चाहते हैं तो मुझे इनकार नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बहुत तरक्की दे। यकीन जानिए, जैसा आपके बारे में सोच के आया था ना, उससे बहुत बढ़ के पाया। चलिए ठीक है जुनेद साहब, अब बाकी रहेगी मीटिंग आपकी मेरे लीगल एडवाइजर से। वो मैं उनसे आपकी मीटिंग तय करवा देता हूँ, और जो भी लीगल मामलात होंगे वो आप उन्हीं से तय कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुनासिब रहेगा। अच्छा चलें, ये तो सारी बातें होगी, अब बताएं कि आप चाय पियेंगे या ठंडा? प्लीज़ बताइए। चाय चाय, हाँ ज़रा चाय भेज दें, और कुछ साथ बिस्किट्स भी। थैंक यू। कैसे कैसे खुश नसीब लोग होंगे भाई। यार क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम बाबू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बैठो। क्या हो रहा है? बेटे ये 40,000 वाले बॉन्ड की लिस्ट आई है बेटा, तो उसमें हमने कहा देख लें, किस्मत आजमा लें। बॉन्ड? हमारे पास कहाँ से बॉन्ड आया? आ गया बेटा, बस बताएंगे भी। खैर दुआ करो। इसमें तो नहीं है, जीरो में देखिए ना। जीरो में, जीरो, जीरो। अच्छा दिखाए, लाया मुझे दिखाए। एक सेकंड बेटा, देखा। अब वो आप ये नंबर पढ़े जाओ, 4,00,000 4,00,000 आज तक काफी दिन हो गए नहीं देखे। मैंने तो कभी देखे ही नहीं, और मैं तो करोड़ों में रोज खेलती हूँ। खेल लोगी तुम भी। शुक्र है खुदा तेरा, मैं देख रहा हूँ अल्लाह ताला ने कैसे वक्त पे हमारी मदद की, बड़ा खूबसूरत रही मैं। आप लोग बातें करें, मैं जरा शुक्राने की नफिल। आप जाओ, वैसे एक बात बताऊं मैं, जब अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाह रहा होता है ना, तो देखो बेटा इस तरह वो नवाजता है, इस तरह। एकदम फिर पढ़ ले। यही पढ़ते थे, याद करते थे। 6 1 9 4 अब लगा यही सवाल आए।
जी जी आंटी, आप जब हुक्म करेंगी ना मैं हाजिर हो जाऊंगा जी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो और उन लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं हमाद को भी अपने साथ ले आऊँ ताकि एक ही दफ़ा। जी बस ठीक है, तो मैं फिर ऐसा है कि आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, आप जो भी टाइम तय करेंगी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। जी वो जुनेद साहब आए हैं। जुनेद साहब आ गए हैं तो वो बाहर क्या कर रहे हैं भाई? भेजे उन्हें और मुझे कोई सैंडविचेस और चाय भी भेजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम जुनेद साहब, कैसे हैं? प्लीज बैठे मेरे में। जुनेद साहब, मैं दरअसल आज ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरह आपकी मुलाकात अपने छोटे भाई हमाद से करा दूं, लेकिन वो साहब अपनी धुन के इतने धनी हैं कि उनको इस ऑफिस में लाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज को मैं अपने ऑफिस में ले आऊं। मिल लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो उनसे भी मिल लेंगे। जी हाँ, हमाद भी आपसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक्चुअली आई वाज वंडरिंग आप ये प्लॉट लेने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं और वहीं पे मस्जिद क्यों तामीर कराना चाह रहे हैं? बड़ा अजीब सा सवाल किया है आपने। देखिए क़िबला, हमने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हर इलाके में मसाजिद जो हैं वो रिहायशी इलाकों से बहुत करीब हैं, लेकिन ये जो मखसूस इलाका है जहाँ पे आपका प्लॉट है वहाँ लोगों को बहुत दूर से पैदल चल के नमाज पढ़ने के लिए आना पड़ता है। बस हमने ये फैसला कर लिया कि हम अगर मस्जिद बनाएंगे तो उसी इलाके में तामीर करेंगे। देखिए मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ अगर अल्लाह ताला ने मुझे इसकी इस्तेदात दी तो। नहीं नहीं जुनेद साहब, आप प्लीज़ हमें मिसअंडरस्टैंड ना कीजिए। देखिए अगर नेकी के काम में थोड़ा सा हमारा हिस्सा भी डल जाए तो ये तो बाइस रहमत होगा। आप यकीन करें कि अगर हमारी डील बन जाती है तो जिस कीमत पे मैंने वो प्लॉट लिया है हम आपको उसी कीमत पर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा। जी वो तो ठीक है, बस सिर्फ एक बात थी, वो जो मस्जिद बनाने के लिए NOC है वो पहले आपको हमें दिखानी है। जी जी हाँ जी हाँ, NOC तो बहुत ज़रूरी है। चलें ठीक है, ये सब काम तो इंशाल्लाह होते ही रहेंगे, मस्जिद भी बन जाएगी। ये कहें जुनेद साहब, कॉफ़ी मंगवाऊँ या चाय? हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, बोलो तो सही। किसका फोन है अम्मी? क्या पता किसका फोन है, बात करे तो मालूम होना। जरा CLI पे नंबर देखो कौन बदतमीज है। अरे अम्मी ये तो जवाब भाई का नंबर है। जवाब का? जी जवाब क्यों फोन कर रहा है? बुला लेते मैं आ जाता। ये प्लॉट की क्या कहानी है?
हाँ कुछ नहीं जेड, वो ये सब कुछ तो चलता रहता है। मेरे बंदे कल तक उस प्लॉट पे कब्जा कर लेंगे, आप फिक्र मत करो। ले मेहताब की 12 आंखें हैं, किसी बात से बेखबर नहीं हूं मैं। मुझे ये